आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग चालन क्या है इसके बारे में जानेंगे। कर रहा हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज कंडक्शन, चालन क्या है। आंसर हमारा, व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोलेकुल इज कॉल्ड कंडक्शन। कह रहा है हमारा, व्हेन हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कह रहा है कि जब ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जाता है बाय विदाउट एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोलेकुल, अणु के गति के या अणु के विस्थापन के बिना ही जब ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है इज कॉल्ड कंडक्शन, तो उसे चालन कहते हैं। कह रहा है कि अणु के बिना स्थानांतरित किए हुए ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की विधि को चालन कहते हैं। इसी को अगर हिंदी में कहा जाए हमारा तो होगा हमारा, हिंदी में होगा हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा हमारा हिंदी में, चालन क्या है। चालन क्या है, क्वेश्चन होगा हमारा चालन क्या है। आंसर होगा, जब किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, करा जब किसी वस्तु में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं को विस्थापित किए संचरित किया जाता है जब किसी वस्तु में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना अणुओं को विस्थापित किए संचरित किया जाता है तो उसे चालन कहते हैं। अर्थात कह रहा है हमारा कि चालन में अणु विस्थापित नहीं होती है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा स्थानांतरित होता है, लेकिन अणु जो कहते हो स्थिर होता है। उदाहरण के रूप में अगर लेंगे हम तो हमारा उदाहरण होगा, जैसे लोहे के छर के एक सिरा को ऊष्मा देकर जब गर्म किया जाता है
तो चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है कराए कि जब ये चालन में हमारा क्या होता है कि चालन में बिना अणु को विस्थापित किए हुए उष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचयित किया जाता है। जैसे में हमारा कह रहा है कि जब लोहे के छड़ के एक सिरे को उष्मा देकर गर्म किया जाता है तो उसका दूसरा सिरा भी चालन विधि द्वारा गर्म हो जाता है, अर्थात ठोस में उष्मा चालन विधि द्वारा दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।